सब कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, मैं आपका वीज़ा कंसल्टेंट मोहम्मद माजिद, आज मैं मौजूद हूँ इग्नाइट सर्च एंड सिलेक्शन जुमेरा बे टावर्स दुबई यूएई। ओके, तो अपने ऑफिस से जो है मैं ये लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है बेसिकली इग्नाइट सर्च एंड सिलेक्शन जो है ये 14 ईयर्स से यूएई में, दुबई में यूरोपियन वर्क परमिट्स के हवाले से जो है ये काम कर रहे हैं। बेसिकली ये वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं वो उसके लिए रिक्रूटमेंट करते हैं सऊदीया और यूएई के की कंपनीज़ के बिहाफ पे, लेकिन अभी इन्होंने जो है वो यूरोपियन वर्क परमिट्स का भी आगाज़ किया है। तो व्यूअर्स, ये एक लेजिट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें आप लोग जो है वो अच्छी जॉब जो है वो ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियोज के लिहाज से। वैसे जो अभी जिन वैकेंसीज के लिए ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं वो बेसिकली ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, लेकिन उनका जो रेमुनरेशन है, मुआवजा है, वो बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं जर्मन वैकेंसीज की, तो जर्मनी में मतलब इनकी जो जॉब्स हैं, मिसाल के तौर पे एक वेल्डर है, ठीक है, एक कहले कि स्किल्ड लेबर है, वो 1900 से लेके 3800 यूरो तक उसकी सैलरी है। इसी तरीके से जो है वो नॉर्वे है, नॉर्वे में इवन के इनकी सैलरी 4600 यूरो तक है। ठीक है, इसके अलावा हाउसिंग प्रोवाइड की जाती है इन जॉब्स पे, ठीक है, एम्प्लॉयर की तरफ से, और 5 दिन आपने काम करना होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ओवर टाइम की फैसिलिटी भी है और वर्क टाइम में मील भी देते हैं आपको। तो व्यूअर्स, ये बहुत अच्छी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अनस्किल्ड लोगों के लिए, और मज़े की बात ये है कि इसमें जो एज लिमिट है वो भी 20 साल से लेके वो 55 साल तक है। ठीक है, और मतलब इसमें अक्सर लोग होते हैं वो अपनी एज की वजह से वर्क परमिट्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो अपने जो भी फ्यूचरिस्टिक जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जो उनका फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट होता है उसको फुलफिल नहीं कर पाते, तो इसमें एज के हवाले से भी आपको कोई इश्यूज़ नहीं है। ठीक है जी, तो मैं अपना नंबर जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, अपने बायो पेज पे। तो जिस किसी को भी कांटेक्ट करना है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। ओके, तो व्यूअर्स ये था आज का लाइव। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए जो है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि जाना चाहते हैं यूरोप, ठीक है, उनके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल होगा और वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपना वर्क परमिट जो है उसके लिए हम कोशिश करेंगे 99%। जैसे अगर हम बात करते हैं हंगरी के वर्क परमिट्स की, तो हंगरी का जो हमारा प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से वीज़ा की भी गारंटी है 99%। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा कि अपॉइंटमेंट्स का इशू है, तो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो भी जो एम्प्लॉयर होते हैं वो अगर नॉर्मली तौर पे, सिंपली तौर पे अवेलेबल ना हो तो एम्प्लॉयर जो है उसके लिए कोशिश करता है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये भी कोई ऐसा सच इशू नहीं है और एक लेजिट प्लेटफॉर्म है जिसके बिहाफ पे मैं ये सारी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको ये ऑफ़र दे रहा हूँ वर्क परमिट्स की। ठीक है बस, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी तरह के किसी लाइव सेशन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।